बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तें राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग भैरवी भजन 39 और कार दिखलावे। यही माया यही अविद्या। और कार दिखलावे। यही माया यही अविद्या। बदन उपजा तत्वों से जो तत्वों का रूप है सोई। उसी तन अहम बुद्धि लावे। यही माया सत स्वरूप है ताते। तिसे सत रूप दर्शावे। यही माया यही अविद्या। और कार दिखलावे। यही माया यही अविद्या। ब्रह्म का अंश है जीवा। ब्रह्म का रूप है ताते। कहे टेऊं बिन बतलावे। यही माया यही अविद्या। और का और दिखलावे। यही माया यही अविद्या। यही माया यही अविद्या। राग भैरवी भजन 39 और का और दिखलावे। यही माया यही अविद्या। तो अविद्या किसका नाम है? अज्ञान के वशीभूत होकर वास्तविक स्वरूप को अन्यथा दिखलाना और जो अन्य बातें हैं उसको वास्तविक दिखलाना, जो मिथ्या है उसको सत्य, सत्य को मिथ्या दिखलाना, यही वास्तव में अविद्या अज्ञान और अंधकार है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों से ही निर्मित ये शरीर। उस शरीर में अहम बुद्धि, अपने आप को शरीर समझना, इस प्रकार के जो विचार हैं वो अज्ञान और अविद्या के द्योतक हैं। संसार त्रिगुणी माया से सृष्ट है और असत है। वास्तव में इसमें कुछ भी सत नहीं, लेकिन उसे सत्य रूप में दिखलाने वाली अविद्या और माया है। परमात्मा ब्रह्म का अंश ये जीव है, इसीलिए ये उसी का ही रूप है। लेकिन ये माया अविद्या इसे भिन्न रूप से दिखलाती है। इसी का नाम अविद्या है, अज्ञान है और अंधकार है। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा। पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पू
पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत
अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं, तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।